ಅನುದಿನಾ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಯೆಸ್ ಸರ್ ಯೆಸ್ ಟೀಚರ್ ಕಸನ್ ಮ್ಯಾಮ್ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। संवेदा ई क्लासेस में तमाम तुलबा का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। मैं सैयदा गजाला रूही, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल सालगुंदा, ताल्लुका सिंधनूर, ज़िला रायचूर से। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज हम हश्तुम जमात की साइंस की दरसी किताब का एक सबक मादी अशिया धात और गैर धात इस सबक का मुताला करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने साथ कापी पेन वगैरह लेकर बैठे होंगे। सबक को गौर से सुनिए और अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए सबक को एक सरगर्मी के साथ शुरू करते हैं। आपके आसपास दिख रही अशिया की फहरिस्त बनाइए। चलिए बच्चों, आपने क्या क्या लिखा है? मेज़, कुर्सी, फैन, पेन, पेंसिल, टेलीविज़न, इस्त्री, फ़ोन, घड़ी वगैरह। ये तमाम अशिया किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बनी होती हैं। इन्हें हम मादी अशिया कहते हैं। ये मादी अशिया मुख्तलिफ़ अनासिर होते हैं या फिर मुरक्कबात या इन दोनों के आमेज़े से बनी होती हैं। साइंसदानों ने जैसे जैसे अनासिर की दरियाफ्त की, इन्हें इनकी खसूसियात की बिना पर धात, गैर धात और धात नुमा में तकसीम किया। अब तक दरियाफ्त किए गए 118 अनासिर में तकरीबन 90 से ज़्यादा अनासिर धात हैं, चंद गैर धात और चंद धात नुमा हैं। मियादी जदोल जिसमें तमाम अनासिरों की दर्जाबंदी की गई है, इसमें आप धात, गैर धात और धात नुमा को बआसानी से मालूम कर सकते हैं। सबक शुरू करने से पहले हम आइए धात गैर धात की मिसालें देख लें। धातों की मिसालें हैं सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, लोहा, सोना, चांदी वगैरह। गैर धात की मिसालें हैं हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। प्यारे बच्चों, इस सबक को हम चार हिस्सों में पढ़ेंगे। पहले हिस्से में हम धात और गैर धातों के तबई खसूसियात का मुताला करेंगे। दूसरे हिस्से में हम पढ़ेंगे धातों और गैर धातों के कीमियाई खसूसियात। इसमें धातों और गैर धातों का ऑक्सीजन के साथ तामुल और धातों और गैर धातों का पानी के साथ तामुल का मुताला करेंगे। तीसरे हिस्से में हम पढ़ेंगे धातों और गैर धातों के कीमियाई खसूसियात ही। इसमें धातों और गैर धातों का तेजाबों के साथ तामुल, धातों और गैर धातों का असासों के साथ तामुल और हटाव तामुल का मुताला करेंगे। चौथे हिस्से में, जो कि आखिरी हिस्सा होगा, वो उसमें हम धातों और गैर धातों के इस्तेमालात और सबक का इयादा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस सबक में धातों और गैर धातों के खसूसियात का मुताला करने जा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि खसूसियात दो किस्म की होती हैं, तबई और कीमियाई खसूसियात। तो तबई खसूसियात किसे कहते हैं? तबई खसूसियात ताल्लुक़ रखती हैं तबई हालत से, जैसे कि धात या गैर धात दिखने में कैसी है, रंग कैसा है, बो कैसी है, नुक्ते पिघलाव और नुक्ते उबाल क्या है, कितनी सख्त है या नर्म है वगैरह। कोई भी शय अपनी बनावट के बारे में बता रही है तो उसको हम तबई खसूसियात कहते हैं।
कीमियाई खसूसियात, किसी धात या गैर धात की वो खसूसियात जिसमें वो एक शय से दूसरी शय में तब्दील होती है जब इनको हवा के साथ रखा जाए, गर्म किया जाए, पानी के साथ इनमें क्या तब्दीली होगी, ये तमाम को हम कीमियाई खसूसियात कहते हैं। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले धातुओं की तबई खसूसियात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। धातुओं की चंद तबई खसूसियात हैं कि धातें जो है ठोस होती हैं, धातें चमकदार होती हैं, धातें सख्त होती हैं, तार पजीर होती हैं, धातें वर्क पजीर होती हैं, धातें हरारत की अच्छी मौसिल होती हैं और बर्फ की उम्दा मौसिल होती हैं, धातें खनकदार होती हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि खाना पकाने के बर्तन एल्युमिनियम, कॉपर या फिर स्टील के ही क्यों होते हैं और जेवरात बनाने के लिए सोने चांदी का ही इस्तेमाल क्यों होता है? इन सवालात के जवाबात हम तभी जान सकेंगे जब हमें धातुओं की खसूसियात का पता हो। तो आइए एक एक खसूसियात को तफसील से पढ़ते हैं। धातुओं की पहली खसूसियत है कि वो ठोस होती हैं। कमरे के दर्जे हरारत पर धातें ठोस हालत में पाई जाती हैं। तकरीबन तमाम धातें जैसे लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, ये ठोस हालत में होती हैं, लेकिन मर्क्यूरी माया हालत में, एक ऐसी धातु है जो माया हालत में पाई जाती है। आप कभी अपने वालिदैन के साथ दवाखाने गए होंगे और आपने डॉक्टर के पास खून का दबाव नापने का आला देखा होगा जिसे स्फिग्मोमोनोमीटर कहते हैं। इसकी कांच की नली में हल्के सुरमई रंग का माया होता है। जब डॉक्टर खून का दबाव देखने के लिए इसको पंप करते हैं तो ये ऊपर चढ़ता है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगता है। ये सुरमई रंग का माया दरअसल मर्क्यूरी या पारा है जो कि एक माया धात है। जिस्म का दर्जे हरारत नापने के लिए जो थर्मामीटर इस्तेमाल किया जाता है इसमें भी पारा मौजूद होता है। धातुओं की अगली खसूसियत है कि वो चमकदार होती हैं। धातें उमूमन जो है चमकदार होती हैं, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, चांदी, सोना वगैरह। सोना सबसे ज़्यादा चमकदार होता है, इसकी चमक कम नहीं होती। चांदी भी चमकदार होती है लेकिन कुछ वक्त के बाद पानी हवा लगने से इसकी चमक कम हो जाती है। अगली खसूसियत है धातें सख्त होती हैं, इसीलिए इन्हें ऊंची इमारतें, ब्रिज, मशीनें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके सख्त होने की वजह से इमारतों, ब्रिजों और मशीनों में मजबूती आती है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम धातें नर्म होती हैं, ये इतनी नर्म होती हैं कि इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। धातुओं की अगली खसूसियत है तार पजीरी। धातें तार पजीर होती हैं, यानी धातुओं से बारीक तार बनाए जा सकते हैं। क्या आपने कभी सुनार को सोना चांदी के तार बनाते हुए देखा है? वो एक सुराख से गर्म धातु को गुजारते हैं। धातुओं की अगली खसूसियत है तार पजीरी। धातें तार पजीर होती हैं, यानी धातुओं से बारीक तार बनाए जा सकते हैं। क्या आपने कभी सुनार को सोना चांदी के तार बनाते हुए देखा है? वो एक सुराख से गर्म धातु को गुजारते हैं और बारीक तार बनाते हैं और उन तारों की मदद से जेवरात बनाते हैं। बर्फी वायर्स में अंदर कॉपर की तार होती है। घर के अतराफ जो फेंसिंग की जाती है वहाँ भी लोहे के तार इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ धातुओं की तार पजीरी की खसूसियत इस्तेमाल की जाती है। सोना सबसे ज़्यादा तार पजीर धात है,
एक ग्राम सोने से तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। यही वजह है कि जेवरात बनाने के लिए सोने का इस्तेमाल किया जाता है। अगली खसूसियत है वर्क पजीरी। एक छोटे से धात के टुकड़े पर मुसलसिल ज़रब लगाने पर एक पतला वर्क तैयार होता है। धातों की उस खसूसियत को वर्क पजीरी कहते हैं। हम अपने अतराफ इस खसूसियत का इस्तेमाल बहुत जगह देखते हैं। घरों पर लोहे की शीट्स छत के तौर पर बिछाई जाती हैं। बस और ट्रेन की फर्श धातों की पतली शीट से बनी होती हैं। आपने एल्युमिनियम के वर्क भी देखे होंगे जिसमें खाना पैक किया जाता है। सबसे ज़्यादा वर्क पजीर धात सोना और चांदी हैं। कई किस्म की मिठाइयों पर आपने वर्क भी लगे हुए देखे होंगे। ये कितने पतले होते हैं आपको पता है। धातें हरारत की अच्छी मौसिल होती हैं। आइए इस खसूसियत को एक सरगर्मी के ज़रिए समझेंगे। किसी भी धात की एक तार लीजिए, इसके एक सिरे पर मोम की मदद से एक पिन चिपकाइए और दूसरे सिरे को गर्म कीजिए। कुछ वक्त के बाद आप देखेंगे कि तार का दूसरा हिस्सा भी गर्म हो चुका है और ये हिस्सा गर्म होने की वजह से मोम पिघल गई है और पिन नीचे गिर गई है। इस सरगर्मी से ये मालूम होता है कि धातें हरारत की अच्छी मौसिल होती हैं। खाना बनाते वक्त जब कभी चूल्हे पर रखे बर्तन को हाथ लगाते हैं तो आपका हाथ जल जाता है। ये बर्तन धात के बने होते हैं और ये हरारत को मुंतकिल करते हैं और इसीलिए हमारा हाथ जल जाता है। धातें हरारत की अच्छी मौसिल होती हैं, इसीलिए हमारे घरों में पकवान के बर्तन एल्युमिनियम, कॉपर या स्टील जैसी धातों से बने होते हैं। आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि बर्तनों के हैंडल प्लास्टिक या लकड़ी के होते हैं। लकड़ी या प्लास्टिक हरारत के गैर मौसिल होते हैं, इसीलिए बर्तन के हैंडल प्लास्टिक या लकड़ी के बनाए जाते हैं ताकि हम आसानी से गर्म बर्तन को पकड़ सकें। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि पकवान के लिए लकड़ी के चमचों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। धातों की अगली खसूसियत है कि धातें बर्क की उम्दा मौसिल होती हैं। शीशे के अलावा बाकी तमाम धातें बर्क का ईसाल करती हैं और इसीलिए बिजली के आलात जैसे वायर्स, केबल्स वगैरह में धातों का इस्तेमाल होता है। आपने ज़रूर देखा होगा कि आपके घरों में जिन तारों के ज़रिए बिजली या करंट दौड़ता है, इन पर पीवीसी या रबर जैसी किसी चीज़ की पर चढ़ी रहती है ताकि इन तारों को पकड़ने पर आपको बिजली का झटका ना लग सके। आइए धातों की अगली खसूसियत की तरफ बढ़ें। धातें खनकदार होती हैं। जब धातें किसी सख्त सतह से टकराती हैं तो आवाज़ पैदा करती हैं, इसीलिए धातों का इस्तेमाल घंटियां बनाने में होता है। तो क्या आपको अब पता चल गया कि घर में बैठे आइसक्रीम वाले की घंटी किस तरह सुन लेते हैं और क्लास में बैठकर भी दूर लगी घंटी की आवाज़ आप सुन लेते हैं। स्कूल की घंटी, आइसक्रीम वाले की घंटी, ये तमाम धात से बनी होती हैं और इसमें धातों की खनकदार खसूसियत का इस्तेमाल होता है। इन तमाम खसूसियत के अलावा धातों की एक और अहम खसूसियत है और वो है नुक्ते जोश और नुक्ते पिघलाव। धातों का नुक्ते जोश और नुक्ते पिघलाव बहुत ज़्यादा होता है। लोहा 1538 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है और ये दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा है। इसी तरह कॉपर का नुक्ते पिघलाव 1083 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोना 1063 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलना शुरू करता है। आइए अब गैर धातों की तरफ चलते हैं।
गैर धातुओं की तबई खसूसियात क्या हैं ये जानेंगे। गैर धातुओं की तबई खसूसियात हैं, गैर धातें उमूमन ठोस, माया और गैस तीनों हालतों में पाई जाती हैं। ठोस हालत में पाई जाने वाली गैर धातें हैं कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सेलेनियम, आयोडीन वगैरह। माया हालत में सिर्फ एक गैर धात होती है और वो है ब्रोमीन। गैसी हालत में पाए जाने वाली गैर धातें हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम वगैरह। गैर धातों में चमक नहीं होती है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि गैर धातें फास्फोरस, सल्फर, कार्बन वगैरह चमकदार नहीं होती हैं। धातों की तरह गैर धातों में चमक मौजूद नहीं होती। गैर धातें फोटक होती हैं, यानी जब हम गैर धातों को हथौड़े से ज़र्ब लगाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। अगर हम एक कोयले के टुकड़े पर हथौड़े से ज़र्ब लगाएं तो क्या होगा, वो फूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाएगा। धातों की अगली खसूसियत है, गैर धातों की अगली खसूसियत है कि वो तार पजीर और वर्ख पजीर नहीं होती हैं। चूँकि गैर धातें फोटक होती हैं, हथौड़े से ज़र्ब लगाने पर टूट जाती हैं, इसीलिए ना तो इनके तार बनाए जा सकते हैं और ना ही वर्ख बनाए जा सकते हैं। गैर धातें हरारत और बर्फ़ की मौसिल नहीं होती हैं, यानी इनमें से हरारत और बर्फ़ी रो नहीं गुज़र सकते। गैर धातों के नुक्ते पिघलाव और नुक्ते उबाल भी जो है बहुत कम होते हैं। गैर धातें खनकदार नहीं होती, यानी गैर धातें किसी सख्त सतह से टकराती हैं तो आवाज़ पैदा नहीं करती। तो ये थे बच्चों धातों और गैर धातों के तबई खसूसियात। आइए धातों और गैर धातों का मवाजना करें, यानी इनमें फ़र्क देखें। कमरे के दर्जे हरारत पर धातें कमरे के दर्जे हरारत पर उमूमन ठोस होती हैं, जबकि गैर धातें कमरे के दर्जे हरारत पर ठोस, माया और गैस तीनों हालतों में होती हैं। धातें चमकदार होती हैं, गैर धातें चमकदार नहीं होती। धातें सख्त होती हैं, जबकि गैर धातें फोटक होती हैं। तार पजीरी और वर्ख पजीर होती हैं, धातें तार पजीर और वर्ख पजीर होती हैं, गैर धातें तार पजीर और वर्ख पजीर नहीं होती हैं। धातें हरारत और बर्फ़ के अच्छी मौसिल होती हैं, जबकि गैर धातें हरारत और बर्फ़ की मौसिल नहीं होती। धातें खनकदार होती हैं, गैर धातें खनकदार नहीं होती। धातों का नुक्ते जोश और नुक्ते उबाल बहुत ज़्यादा होता है, जबकि गैर धातों का नुक्ते जोश और नुक्ते पिघलाव बहुत कम होता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने धातों और गैर धातों के तबई खसूसियात को बग़ौर सुना होगा। आइए आपको चंद सवालात पूछती हूँ, जवाबात देने की कोशिश कीजिए। धात का नाम बताइए जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। बिल्कुल सही जवाब है सोडियम। सोडियम धात जो है बहुत नर्म होती है, जिसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। अगला सवाल है, कमरे के दर्जे हरारत पर माया हालत में पाए जाने वाली गैर धात कौन सी है? शाबाश, जवाब है ब्रोमीन। कमरे के दर्जे हरारत पर माया हालत में पाए जाने वाली गैर धात ब्रोमीन है। अगला सवाल है, घर में मौजूद बिजली की तारों पर पीवीसी की परत चढ़ी होती है क्यों? शाबाश, जवाब है ताकि हमें बिजली का झटका ना लगे।
ये आपके लिए घर पर काम है, इस जदोल को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर धातों की खसूसियात दी गई हैं, इन खसूसियात का इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ होता है लिखिए। तो बच्चों, आज हमने धात और गैर धात के तबई खसूसियात का मुताला किया। अगली क्लास में हम धातों और गैर धातों के कीमियाई खसूसियात का मुताला करेंगे। अनुदिना अनुक्षणा कलियोणा कलिकेय सहा।